पहले बांह खींचिए ना आपको। अब देख सकते हैं किस तरीके से वो निकल गया, वो लॉक खुल रहा है। अब लोग देख सकते हैं किस तरीके से खुल गया। क्या क्या चल रहा है भाई? ये एलंकी वाला लॉक है। हेलो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हो। आज फिर एक बार आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या फिटिंग हो रहा है। आप लोग सोच सकते हैं क्या, सोचो एंड कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। मैं नहीं बोलूँगा आज, लेकिन बाद में बोल दूँगा, कोई बात नहीं। ये है न्यू प्लास्टिक सिल्किट फिटिंग हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेन पिन का भूस है। ये मेन पिन का भूस है। इस मदद से फिटिंग कर रहे हैं न्यू प्लास्टिक सिल्किट। ओनली लॉक व्हाट टाइप ऑफ प्लास्टिक आई वुड से बट इट खाली रही है। अब लोग देख सकते हैं यहाँ पे लॉक लगाने जा रहा है मेरा भाई।
आप लोग देख सकते हैं गाइस किस तरीके से ये जो स्टेबलाइजर ये लोग फिटिंग कर रहे हैं, लगाया जा रहा है। बहुत मुश्किल का काम है, बहुत माइंड एंड आइडिया के साथ करना पड़ता है। बहुत सारे वीडियो हुआ है, बहुत सारे बड़ा चीज़ दिखाना था आप लोगों को, लेकिन मेरे पास मुझे टाइम नहीं मिला तो वीडियो नहीं कर पाया। ओ रुक जाओ रुक जाओ। देर से डाउन करो स्टेबलाइजर। बहुत मुश्किल का काम है यह, बहुत आइडिया से करना पड़ता है। मिस्टर जेसीबी ऑपरेटर, हो रहा है कोई बात नहीं। या डेफिनेटली गाइस यू नो आप लोग देख सकते हैं कितना मेहनत से काम चल रहा है। एंड आप लोगों को बहुत सारे चीज़ दिखाना था लेकिन बिजी शेड्यूल से नहीं कर पाया। लेकिन देखो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो इस वीडियो को। कितना परिश्रम, कितना कष्ट से होता है, कितना हार्डवर्क से होता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये बंदा बहुत हार्डवर्क करता है, आप लोग ये बहुत सारा हार्डवर्क करता है, खुद ही ऑनर खुद ही सब कुछ करता है। कष्ट का फल मीठा होता है, इस बंदा को अच्छा से पता है। एंड आप लोगों भी गाइस मुझे बहुत सारे ये पता है कि आप लोग भी कष्ट कर रहे हैं। एंड इफ यू डोंट डू हार्ड वर्क देन यू कांट गेट एनी रिजल्ट ऑफ दैट हार्ड वर्क। सो या यू मस्ट डू हार्ड वर्क एज वेल। अगर प्लान किस तरीके से प्लान किया गया इसको, एंड उसके बाद अभी फिटिंग होगा।